हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेरवानी फॉर मैन और ग्रूम। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप आने वाली हमारी और वीडियोज़ को देख पाएंगी। फ्रेंड्स, शादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, चाहे वो खुद की शादी हो, चाहे किसी दोस्त की शादी हो, चाहे किसी रिलेटिव की शादी क्यों ना हो। और शादी में शेरवानी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है, चाहे वो दूल्हे की क्यों ना हो, चाहे वो दूल्हे के दोस्त की क्यों ना हो, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो ये रहता है कि हम कौन सा कलर खरीदें शेरवानी का, कौन सा फैब्रिक लें, कैसे डिज़ाइन की हम शेरवानी लें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके की शेरवानी लें। और अगर आपको हमारी वीडियोस में से जो भी शेरवानी पसंद आ रही हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ली, जिससे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप मार्केट से शेरवानी लेने जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर है, वो है फर्स्ट नंबर पे हमारा है चिपकन स्टाइल शेरवानी। ये शेरवानी एक रॉयलिटी, एक रिफ्लेक्शन टाइप का देती है। और ये जो चिपकन स्टाइल शेरवानी है, वो मुगल पीरियड से लेके आई है। आपने देखा होगा कि अकबर के टाइम पे जो शेरवानी पहनी जाती थी, साथ में एक बेल्ट रहता था, उस बेल्ट में आप अपनी तलवार वगैरह भी ऐसे लगा सकते हो। बहुत ही एक किंग वाला और एक रूलर वाला एक वो आपको एक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें जो एक रॉयल्टी का टच है, वो एक अलग ही इसमें लुक लेके आता है। अगर आप चाहें तो इसके साथ में आप रॉयल एसेसरीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लुक देगा, एक अच्छा पेयरअप बनेगा। आप इसमें बहुत सारे ब्रांड्स की आपको शेरवानी मिल जाएंगी, लाइक आप मान्यवर से या रेमंड से ये शेरवानी भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडो वेस्टर्न शेरवानी। ये एक बैलेंस टच है मॉडर्निटी का, और इंडो वेस्टर्न शेरवानी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप किसी ट्रेंड सेटिंग फैशन में जा रहे हों। और इसके साथ में अगर आपने कॉन्ट्रास्ट में कुछ शेड्स लिए हों, या आपने कुछ अच्छा डिज़ाइन का शेरवानी लिया हो, तो ये बहुत ही अलग लुक आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। आपने इसमें देखा होगा कि अगर इसमें आप चाहें तो स्टोन वगैरह या जेम्स वगैरह, बटन्स ऐसे कुछ ऐड करवाते हैं, कफ्स वगैरह ऐड कराते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट और एलिगेंट एक लुक देता है। आप इसके साथ चाहें तो बॉटम में चाहें तो कुछ स्टाइलिश या ट्रेडिशनल शूज़ ट्राई कर सकते हैं, वो एक अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर देता है, बहुत ही अलग लुक लगता है। नेक्स्ट हमारा है अचकन स्टाइल शेरवानी। ये सबसे पॉपुलर शेरवानी है, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। मोस्टली आपने देखा होगा कि वेडिंग्स में ग्रूम इसको काफ़ी ज़्यादा पहन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही फैशनेबल है, बहुत ही ग्लोरी है, और बहुत ही एक डिफरेंट इसमें एक अलग ही स्टाइल आती है, अलग ही टेक्सचर आता है। अचकन शेरवानी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप इसके साथ चूड़ीदार पजामे या धोती पजामा, या आप इसके साथ में जैकेट अगर पहनते हैं, तो ये एक अलग ही मैग्निफिकेंट स्टाइल आता है। आप इसे चाहें तो रेमंड या पीटर इंग्लैंड, मान्यवर, यहाँ से स्टाइल, ये जो ब्रांड्स हैं, आपको ये अचकन स्टाइल शेरवानी आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।